इटाडोरी कर्टन के पास जाने के साथ ही उसे काफी जोर का मुक्का मार देता है। इटाडोरी के पंच में काफी ज्यादा ताकत थी, लेकिन फिर भी उस कर्टन का उस सबसे कुछ नहीं होता। अकुमा इटाडोरी की इतनी खतरनाक ताकत देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबराने लगता है, और अब वो सोचने लगता है कि ताकत के मामले में ये लड़का तो मिस्टर नानामी को भी हरा सकता है। और दूसरी तरफ मैगुमी का श्रापित कुत्ता ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म करने में लगा हुआ था। मैगुमी कहने लगता है कि इन लोगों को इस कर्टन का वीक पॉइंट ढूंढना चाहिए, लेकिन ताकुमा बताता है कि इस सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने वाला इसके अंदर ही होगा। लेकिन इटाडोरी बताता है वो ग्रास ऊपर तो बाहर से ही उसकी रक्षा कर रहा था। इस सब के बाद ताकुमा सोचने लगता है कि कर्टन बनाने वाला अगर कर्टन के बाहर रहता है तो इससे कर्टन की ही शक्ति ज्यादा बढ़ती है, लेकिन इस सब से कर्टन बनाने वाले के पकड़े जाने का डर भी काफी ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए वो कर्टन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इटाडोरी के पंच से भी नहीं टूटा। और मैगुमी कहने लगता है कि इस हिसाब से तो उन लोगों को ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से वो आसानी से दिख सके। और अचानक से पीछे मुड़ने पर ही इन लोगों को शिबुया का टावर दिखाई देता है, और टावर के ऊपर हम एक बूढ़े आदमी जीरो को देख पाते हैं। जीरो अपने बाकी के साथियों से कहने लगता है कि यहाँ से कर्टन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, लेकिन इसी जगह पर उन लोगों के पकड़े जाने का डर भी ज्यादा है। और तभी ओगामी का पोता बोलने लगता है कि ये पूरी बिल्डिंग की ट्रांसफिगर से भरी हुई है, और इसीलिए उन सॉसरर को ऊपर आने में काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन इटाडोरी नुए के साथ हवा में उड़कर ऊपर आ जाता है। नुए के साथ में एक धागा बंधा हुआ था, और इसका दूसरा हिस्सा मैगुमी और ताकुमा के पास था। ये तीनों मिलकर उन तीनों कर्स यूजर्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह से वो तीनों यहाँ से छूटकर निकल जाते हैं। इस सब के बाद ताकुमा को वो कर्टन बनाने वाली कील दिख जाती है, और यहाँ पर आने से पहले ही इटाडोरी ने इन लोगों को बता दिया था कि इस कर्टन का सोर्स एक कील जैसी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पहले से ही बैरियर टेक्निक डली हुई होती है, और कोई भी अपनी जरा सी एनर्जी के साथ इस पूरे कर्टन को बना सकता है। तो कर्टन को तोड़ने के लिए इन लोगों को सिर्फ इस कील को ही तोड़ना होगा। ताकुमा उस एक कील को तोड़ देता है, लेकिन इस सबसे भी वो कर्टन नहीं हटता। इस कर्टन को बनाने के लिए तीन कील यूज हुई थी, और बाकी की दो कील जीरो लेकर भाग गया था। और इटाडोरी जीरो को अपने वायर से बांधने के साथ ही जमीन पर फेंक देता है, और यहाँ पर ताकुमा भी बाकी के दो कर्स यूजर से लड़ाई करने को तैयार था, और इसी के चलते वो अपना मास्क नीचे कर लेता है। इधर इटाडोरी और मैगुमी को उसकी बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई मिल जाती है, लेकिन जीरो अभी तक मरा नहीं था। मैगुमी उसे चिल्लाकर उठने को कहने लगता है, और जीरो उठकर खड़ा हो जाता है। मैगुमी इटाडोरी से कहने लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर जल्दी से काम करना होगा। इस सब के बाद एक फ्लैशबैक के अंदर नानामी ताकुमा से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरी सिफारिश की क्या जरूरत है? अपनी टेक्निक की मदद से तुम वैसे ही काफी जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। और ताकुमा नानामी से कहने लगता है कि वो हर समय जब भी मुसीबत के अंदर होता है तो वो ऐसा ही सोचता है कि अगर मेरी जगह नानामी होते तो वो क्या करते, और सिर्फ इसीलिए वो नानामी की सिफारिश के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहता। और प्रेजेंट टाइम के अंदर ताकुमा अपनी टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसका नाम था ऑस्पिशियस बीस समोन। ये टेक्निक दरअसल में एक भूत प्रेत वाली टेक्निक है, जिसके अंदर से ताकुमा चार के अंदर से एक बीस्ट को समोन कर सकता है, और वो उनकी पावर भी यूज कर सकता है। और इन सारे बीस्ट का नाम है काइचिन, रिकी, किरिन और रियू। ताकुमा सबसे पहले काइची की पावर को समोन करता है, और वो एक मिसाइल जैसी चीज को सामने वाले पर शूट करता है। एक कर्स यूजर दूसरे कर्स यूजर को बचाने लगता है, लेकिन वो मिसाइल आने के साथ ही उसी के हाथ में घुस जाती है। ताकुमा सोच रहा था कि इन लोगों को अब जल्दी जल्दी काम करना होगा, क्योंकि नानामी ताकुमा के भरोसे ही इन लोगों को छोड़कर गया है। ताकुमा अपने दूसरे बीस्ट को समोन करता है, और उसके आसपास पानी की एक चादर सी बिछ जाती है। और नीचे की तरफ इटाडोरी और मैगुमी मिलकर जीरो की धुलाई कर रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी जीरो को कुछ नहीं हो रहा था, और जीरो अपना चाकू निकालने के साथ ही इटाडोरी को मार देता है। लेकिन तभी मैगुमी का फ्रॉग उसे एक दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन फिर भी इतनी मार खाने के बाद भी उसके चेहरे पर एक भी खरोच नहीं आई थी। और इस आदमी से लड़ाई करने के चक्कर में इन लोगों का काफी सारा समय वेस्ट हो रहा था। और दूसरी तरफ टावर के ऊपर ओगामी किसी तरह का मंत्र पढ़ रही थी, और उसका पोता ताकुमा से उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। ताकुमा तो वैसे भी उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, लेकिन तब तक उसे समझ आ चुका था कि ये बुढ़िया कुछ ना कुछ कांड करने वाली है। लेकिन ताकुमा को ये समझने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। उस बुढ़िया के शरीर के अंदर किसी तरह की कोई एनर्जी फ्लो करने लग गई थी, वो किसी टाइप का रिचुअल पूरा कर चुकी थी। इसी के साथ वो तूजी का नाम लेती है, और तब तक उसका पोता एक कैप्सूल निगल लेता है। ओगामी उसके ऊपर एक मिसाइल से अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से उसका पोता उस मिसाइल को ही पकड़ लेता है। और यहाँ पर ओगामी के पोते का शरीर बिल्कुल तूजी की तरह होने लगा था,
अब कहानी 1989 के अंदर जाती है जहाँ पर गोजो का जन्म हुआ था। ओगामी भी उसी हॉस्पिटल के अंदर जाती है जहाँ पर उसने किसी का मर्डर कर दिया था। ओगामी ने सियास टेक्निक की मदद से एक लड़की का शरीर कॉपी कर लिया और उसके बाप को बेवकूफ बनाने के साथ ही उसका मर्डर भी कर दिया। ओगामी सिर्फ मरे हुए लोगों को ही कॉपी कर सकती है और दूसरी तरफ जीरो को लोगों के चेहरे निकालने में और उन्हें टॉर्चर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था और ये दोनों लोग मिलकर कुछ भी कर सकते थे। और उस समय के सॉसरर भी कर्स स्प्रिट्स के अंदर ही बिजी रहा करते थे। लेकिन गोजो के जन्म के साथ ही बहुत कुछ बदल गया। ओगामी और जीरो ने दोनों ने ही गोजो को मारने की कोशिश करी क्योंकि गोजो के सर पर काफ़ी अच्छी बाउंटी आ चुकी थी। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी गोजो ने इन दोनों को ही देख लिया और उसकी आंखों में देखने के साथ ही ये दोनों थरथर कांपने लगे। और इसी इंसिडेंट के बाद ये लोग समझ गए कि जुजुत्सु की दुनिया में इनका राज खत्म हो चुका है क्योंकि गोजो के जन्म के साथ यहाँ का बैलेंस बिगड़ चुका है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर शिफ्ट होती है जहाँ पर इटाडोरी जीरो से लड़ाई कर रहा था। इतनी मार खाने के बाद भी जीरो को ज़रा सी भी खरोच नहीं आई थी और मैगुमी यहाँ पर समझ जाता है कि जीरो किसी टाइप की टेक्निक यूज़ कर रहा है। और अब मैगुमी जीरो से कहने लगता है कि गोजो यहाँ पर आ गया है। लेकिन जीरो कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि उसे पता था कि कुछ देर पहले इटाडोरी ही चिल्ला चिल्ला कर सभी को बता रहा था कि गोजो सील हो चुका है। और अब ये लोग ये भी समझ जाते हैं कि ये आदमी गोजो को नहीं हरा सकता तो इस आदमी की टेक्निक का कुछ ना कुछ तोड़ तो ज़रूर है। जीरो इन दोनों को मारने के लिए तैयार था लेकिन भी मैगुमी अपने कई सारे रैबिट्स को समन कर देता है। मैगुमी के रैबिट जीरो को हर जगह से घेर लेते हैं और उसका एक छोटा रैबिट उसे हल्का सा धक्का भी दे देता है। और दूसरी तरफ ताकुमा के सामने यहाँ पर तोजी खड़ा हुआ था और वो समझ जाता है कि ये बुढ़िया ज़रूर कोई काला जादू करती है। और यहाँ पर ताकुमा तोजी को देखने के साथ ही समझ जाता है कि ये आदमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसी के चलते वो अपने बीस्ट रियू को समन करने लग जाता है। लेकिन पलक झपकते ही तोजी उसका मास्क निकाल देता है और यहाँ पर ताकुमा को उसकी स्पीड पर यकीन ही नहीं होता और अब तोजी ताकुमा के चेहरे पर कई सारे मुक्के बरसाने लगता है जिस वजह से ताकुमा की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। दूसरी तरफ जीरो समझ चुका था कि ये लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाले बल्कि ये लोग तो भागने की तैयारी में हैं। जीरो उन रैबिट्स के झुंड के अंदर से अचानक से बाहर आता है लेकिन उसके सर पर मैगुमी हाथी दे मारता है लेकिन जीरो उसे भी संभाल लेता है। और मैगुमी उसकी तरफ एक कार फेंकता है लेकिन इस सब का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जीरो मैगुमी की ताकत देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस रह जाता है। मैगुमी और इटाडोरी दोनों ही मिलकर उसकी तरफ अटैक करने लगते हैं लेकिन जीरो इन दोनों के अटैक को पहले से ही भांप लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीरो की टेक्निक इन्वर्स टेक्निक है यानी कि यहाँ पर जोर का झटका धीरे से लगता है और धीरे का झटका जोर से और ये दोनों मिलकर इसे कितना भी जोर का मार ले इसे कुछ नहीं होगा। मैगुमी ने उसकी इस टेक्निक का पता पहले ही लिया था और उसने इटाडोरी को भी इस सब के बारे में बता दिया था लेकिन मैगुमी इटाडोरी से कहने लगता है कि हम दोनों को ऐसे एक्ट करना होगा जैसे हमें इसकी टेक्निक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसीलिए इन दोनों ने वो हाथी और कार फेंकने का नाटक किया था और इसी के चलते ये दोनों अब उसे मामूली से मुक्के मारने लगते हैं और इस चीज़ से जीरो की हालत ख़राब होने लगी थी और इसीलिए वो इन दोनों को मुक्का मारकर दूर कर देता है। जीरो देखता है कि इटाडोरी उसे एक जोर का मुक्का मारने वाला है लेकिन इटाडोरी उसके पास आने के साथ ही उसे काफ़ी धीरे से मारता है और ये मुक्का उसे इतना ज़ोर से लगता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन